मुरादाबाद के जिला अस्पताल परिसर से सटे खाली पड़े भवन को आज से 2 दशक पूर्व उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एच सी वैश्य द्वारा पूर्व सीएमओ डॉक्टर आई जे पुन्हानी व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समिति के आह्वान पर एक प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ भवन के निर्माण का उद्घाटन 9 सितंबर 2000 में किया गया था। कुछ सालों तक भवन में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं, लेकिन धीरे धीरे भवन एक खंडर के रूप में तब्दील हो गया। इसके बाद तत्कालीन चुनाव कार्यालय से जुड़े कुछ कर्मचारियों ने इसमें बैठकर निर्वाचन से जुड़े अभिलेखों का काम शुरू कर दिया था, लेकिन पराया समझकर निर्वाचन कर्मचारियों ने भी इस भवन पर ध्यान नहीं दिया और भवन का हाल बद से बदतर हो गया। शासन आदेश पर अब इस खंडर नुमा भवन को ANMTC सेंटर में तब्दील करते हुए इसका अधिकारी जिला अस्पताल में कार्यरत स्टाफ नर्स फिरोजबी को बनाते हुए जिम्मेदारी उनको सौंप दी। अधिकारियों ने जब इस ट्रेनिंग सेंटर का प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश भर के साथ सीएमओ की मौजूदगी में ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस पर भी इस ट्रेनिंग सेंटर में ध्वजारोहण किया गया और आज से एक नई परंपरा ट्रेनिंग कॉलेज छात्रावास के अधिकारी डॉक्टर फिरोजबी द्वारा शुरू की गई है, जिसमें हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं व ट्रेनिंग के लिए आने वाली सभी छात्राओं को सुबह 9 बजे होने वाली प्रार्थना सभा में शामिल होना है, जिसमें सर्वप्रथम प्रार्थना इतनी शक्ति हमें देना दाता के बाद सभी छात्राओं को मिलकर राष्ट्रगान के साथ क्लास में ट्रेनिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। सुबह हॉस्टल की सभी छात्राओं ने प्रार्थना सभा में पहुंचकर अधिकारी डॉक्टर फिरोजबी के आदेश पर राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी। उसके बाद क्लासेस को शुरू किया गया। इस मौके पर हॉस्टल की सभी छात्राओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। प्रार्थना सभा के बाद ANMTC सेंटर हॉस्टल की अधिकारी डॉक्टर फिरोजबी ने कहा, ट्रेनिंग के साथ नारी सशक्तिकरण के लिए भी सभी छात्राओं को इसकी जानकारी दी जा रही है। और प्रेयर किया करेंगे, और जो भी बच्चों की एक्टिविटीज़ है या फिर कुछ स्पेशल मैसेज वो देना चाहते हैं तो ये सब एक्टिविटीज़ हुआ करेंगी।